आज हम बताने वाले हैं कि उत्तराखंड के बारे में। पहली बात उत्तराखंड में कभी पानी पानी की बहुत कमी होती है, और यहाँ दिल्ली में तो पौधे की इतनी कमी होती है, पौधे वाले ही ना आते, कमी आती है। और यहाँ पर पौधे की कमी ना है, कमी तो करने लगा लो जितना, पर यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ मतलब यहाँ पानी की कमी नहीं है। कमी है। चलो हम पानी दिखाएंगे आपको, चलो आगे चलो। ये भी हमारी डेयरी, नदियों से पानी पड़ता है। ये भी हमारी डेयरी, यहाँ वाटर सप्लाई का पानी भी आ रहा है। बेटे दिखाता हूँ तुझे, चल। दोस्तों यहाँ वाटर सप्लाई का पानी आता है, ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता। मैं दिखाऊंगा आपको। ये है मकान। काट लेते हैं, चलो काटते नहीं, उसके अंदर फूल होता है। रूही आप क्या कहना चाहोगे उत्तराखंड के बारे में, कुछ बताना चाहोगे? नहीं। बता दो कुछ। अच्छा फूल देखने, ये यहाँ बकरियां हैं। गाइस देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, उग रहे हैं। ये रही डंडी, जो दिखाइयो डंडी। पापा इसको छूने में सिसौड़े। हाँ चल चल चल, सिसौड़े चल। इससे क्या होता है सिसौड़ से? ये क्योंकि हाथ में ये छुप जाते हैं ना, बहुत जलन करता है। जलन 5 मिनट का बहुत तगड़ा जलन होता है। जलन बहुत होता है इसका। हाँ बिल्कुल सह भी नहीं पाओगे आप इसका जलन। हाँ सह ना पाओगे जलन मैडम। यहाँ दोस्तों बाघों का भी बहुत खतरा होता है। रात रात को यार बाघ ज्यादातर की तरह घूमते रहते हैं। ये कूड़ेदार बना रखा उत्तराखंड में, और ये है वीडियो। यहाँ बाघों का सबसे ज्यादा खतरा है। अभी हमने सुना है कुछ दिन पहले यहाँ बाघ घूम रहा था। सुन, बाघों से बचने के लिए ना एक डंडा हाथ में ले लो, ठीक है? बाघ से बचना, वो डंडे ठाल हो रहा होगा, और बाघ आ जाए तो डंडा होना चाहिए हमारे पास। ओ बाबा हम तो बहुत दूर हैं। तोड़ लो तोड़ लो, लो एक एक करके तोड़ो सारे। बाघ खतरा होता है ना, तो डंडा रखना है, भागना नहीं है उसे। ये ले ले ले, इसको रूही को दो, बड़ी वाली रूही को, ये बड़ी वाली। चलो ठीक है, ठीक है ना। चलो और मजबूत से तोड़े। ये हथियार बाघों से बचने का, ये हथियार है बाघों से बचने का। चल चल, ये है बाघों से बचने का हथियार जो आप देख रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाघ देखा गया था, यहाँ पे कहीं बाघ देखा गया था। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, कितने 6 बजे होंगे, 3 बजे आता है बाघ तो। बाघ बेटे बाघों का ही घर है ना सारे। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। देख बंस, ये है पानी, अब मैं दिखा देता हूँ पानी। ये है पहाड़ों का पानी, ये लग रही है टंकी, ठीक है? अब तो कहते पानी नहीं, देख पानी, और ये पानी की टंकी। पानी कमी है। अरे नहीं है पानी कमी, देखो है तो बचपन में। ये है पहाड़ी मंदिर भगवान, और यहाँ से आता है पानी। ये बस ठीक है, ला कहाँ मेरा हथियार, वो मेरे डंडा का। बाघ कहाँ देखा था तुमने कल, बता रहे बाघ कहाँ देखा था किसने? कल बता रहे थे, परसों बाघ देखा है। कल मेरे से गुस्सा हो गई थी, चप्पल से मार रही थी, चप्पल से मार रही थी। अभी भी गुस्सा है? अब तो गुस्सा है तू मेरे पे। लकड़ी है अब, लकड़ी। चलो और बताओ बस कुछ बारे में। पानी तो ये बहुत पानी है, तो ये दोस्तों पहाड़ों से पानी आता है और इसमें इकट्ठा होता है, और इसके बाद ये पानी
यूज किया जाता है नहाने दे गाय भैंसों को नहाने दिलाने के लिए। क्यों पानी काम आता है? बहुत ज्यादा काम आता है। सागे खतरा मैं आपको अब सबसे बढ़िया नजारा दिखाऊंगा। चलो भाई इधर आ जाओ। डर लग रहा तुझे? अरे बाघ के देख लेंगे, बाघ को भी चल आएगा तो आएगा देख। बाघ कभी भी कहीं से भी आ सकता है। ये है बाघों का घर जहाँ बाघ रहते हैं। ये बहुत गहरा है यहाँ पे, ये सबसे गहरा है, बाघ यहाँ रहते हैं अंदर। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उनका रास्ता। और ये है कूड़ेदान जो उत्तराखंड में भी न्यू बनाए हैं, नए कूड़ेदान। ये कुछ घर बने हुए हैं पहाड़ के ऊपर, बताओ ना। कुछ लाइट की वजह से क्लियर ना नहीं बताओ ना। है? तीन आते हैं ये आ, कभी आ जाता है उनका घर है बेटे, घर है उनका। ये है बहुत गहरा गड्ढा, बहुत गहरा। ये यहाँ रहता है बाघ अंदर। ये कैक्टस, ये है कैक्टस के पेड़ बहुत बड़े बड़े दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखो एलोवेरा तो है। चलो बेटे, बाघों से सबको डर लगता है, हमको भी लगता है बाघों से डर। पापा हम तो है कम से कम। हाँ यहाँ अब यहाँ डर के आगे ही जीत है, हड्डू पी के चलना पड़ता है बेटे, डर के आगे ही जीत। ले बता क्या बोले तू? बोलना। बोल क्या बता रही? बाघों से डर लगता है? बाघ को मैं नहीं मारूंगा। तो ये रहने डंडा तेरे हाथ में, फिर काम आएगा? ये भी तो है तेरे पास हथियार, तो कम से कम प्रैक्टिस कैसे करी? इसे पता कैसे बताना मारना डंडा? जल्दी बता, आगे चल के बता। हम बता इसको कैसे मारना है बाघों से। हाँ ऐसे हमें दम दिखाना है पूरा। बता कैसे? हाँ हाँ बता बता बता। हाँ 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 देखो ये है वो जिसके बारे में बता रहा था। ये है बहुत गहरा, अभी भी देखो उसकी गहराई नहीं दिखाई देगी अंदर तक। पिचक पिचक पिचक, बहुत गहरा ये इसकी। पापा कहीं तू ना जाए कुछ, फिर दर्द के मारे नीचे गिर गो। देखो ये गहरा है, इतना गहरा है, बहुत गहरा है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। यहाँ पानी है इसकी वजह से यहाँ पे अंदर खतरा। ये आ गए चोटी पे। चलिए यहाँ बैठते हैं मंदिर के आगे। यहाँ खतरा है, यहाँ अकेले बैठना खतरा है ना। हाँ। क्यों? सीटें ना क्या? सीटियाँ? चलो यार यहीं बैठते हैं, यहीं बैठोगे? हाँ चलो। पापा रहने दो, आगे चले। पापा ये है बिलवाड़ा। अरे यार एक बड़ो कैमरा सब कर दूं। यूं भी बनते भी ना थी। हां बाबा मेरे को गोदी में उठा के बचाए। गोदी में लाया था इसके ठाके इस टाइम। आप मेरे को बचाए करे जब। हां बता। बचाए करे आप मेरे को। जब मैं छोटी। अब आप नहीं बचाओ मेरे को। तो अब तो डंडा दे देना तेरे हाथ में। हां अब तो तू बड़ी हो गई, तू ही मारे खुद। हम भी तो खुद ही मारेंगे। उसको तो मैं फेंक ही दूंगी डंडा उसके पास ही, उसके से अगर इसके बल पे मारूंगी तो उड़ जाएगा वो। बेटा वो बच्चों पे हमला करते ज्यादातर, इसलिए तुम हथियार होना चाहिए। बच्चों पे हमला करता है? हाँ एक पत्थर ले ले। काहे से ले लो? आ जा आ जा, एक बड़ा सा ले लेता है। ये रहा पत्थर, ले ले ले। हाँ ले ले। ये है खतरनाक रास्ते। बंस ज्यादा आवाज मत बोल, आवाज से सुन लेगा हमारी आवाज। तो रूही तू मत बोल, तेरी आवाज बहुत पतली है। पतली आवाज नहीं बोलना, ऐसे बोलना मोटी, ऐसे बोलना। मैं तो
ये है घर उत्तराखंड के घर। अब तो वैसे पक्के मकान बन गए यहाँ पर, पुराने मकान अभी हैं कुछ। अगर इससे दूर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी पापा। वो शान में पहाड़ों पे घर सबसे ऊपर। पहाड़ों के बारे में व्यू दिखा, व्यू दिखा देता हूँ पहाड़ों का। ये देखो पहाड़ों के ऊपर घर, ये घर है यहाँ पे और ये घर यहाँ पे, ये यहाँ घर पे बाबा हमारा घर। बताओ पापा इस जगह मुझे बहुत लग रहा है ना। ये देखो पहाड़ों का व्यू, अब मैं इससे बढ़िया दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पापा को मारना नहीं है, बस ऐसी बस बस लकड़ी मारनी, पत्थर नहीं मारना। पत्थर मारना जो पास में आएगा, अब नहीं तो ऐसे ही डराना है। डराना है बस पत्थर से। हाँ लकड़ी से डराना है, पत्थर को दिखाना है। मारना है असली में, जब पास में आ जाए मारने के लिए तो मैं तो मार ही दूंगी। पर पेट में से भी उसको दर्द होगा, फिर वो भाग जाएगा। सबसे बेहतरीन नजारा दिखाते हैं आपको। बाबा अभी तो दोपहर हो रही है बाबा, अभी तो क्या है धूप है नहीं। दिखा दो कहां वो दिखा दे मैंने सारा उधर नजारा, अब ये दिखाऊंगा सबसे बेहतरीन नजारा। पापा अब तो बैठ जाओ, यहां पे बहुत मिट्टी है। ये अपनी जगह बैठने की, यहां से देखते हैं। बैठ जाओ कुर्सी पर, मजा इनको नजारा दिखा देता हूँ सब भाइयों को। राम राम भाइयों, अब देखो नजारा सबसे सुंदर। ये लगा हुआ है सामने सोलर पैनल, जो ऑटोमेटिक दिन में चार्ज होता है, रात को ऑटोमेटिक जल जाता है। ये है उत्तराखंड का सबसे सुंदर नज़ारा, जहाँ पे ना धूल मिट्टी ना कुछ डस्ट और शुद्ध हवा। पहाड़ी गाना गाते रहे कोई गाएगा तो, कोई पहाड़ी गाना ना, पहाड़ी गाने गाते हुए डांस कर दो। ठुमक ठुमक जब हिटी चाहे तू पहाड़ी में ठुमक, छम छमा पायल गंग बजनी तेरे गुटमा, लाल कर कनना तूने चूड़ी छन हरा, लाल कर कनना तूने चूड़ी छन हरा, चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमके ने गुलाबी शरारा, ओ चुनरी तेरी चमके ने गुलाबी शरारा। रुई का गारी ये बच्ची थोड़ी ज्यादा शर्माती है इसलिए डांस नहीं करती। चलो ये है जय माँ दुर्गागिरी मंदिर। ये एक मंदिर है दुर्गागिरी का, बहुत ही ज़्यादा लोग बाग उस पर जाते हैं दुर्गागिरी के मंदिर पे। ये कि दोराट के पास पड़ता है, यहीं से आएगा दूल्हा है ना, हैं यहीं से आया होगा दूल्हा। ये कि दोराट के पास पड़ता है दुर्गागिरी मंदिर। ये दूल्हा के लिए है, ये पहाड़ की लास्ट की चोटी पे बना हुआ है और बड़ा बहुत बढ़िया व्यू है। उसके अंदर बादल ऐसे चलते रहते हैं पहाड़ के ऊपर। ये सामने मकान है, घर हैं सबके। ये कोई शहर है, गांव है, पता नहीं क्या है, मुझे तो इसके बारे में। ये जो आगे देखो एक घर बन रहा है, वो है हमारा घर। बता हाँ पापा, ये ऐसे टेंशन में ले रही है जैसे आखिर। हाँ बताइए सर, बाघों का क्या क्या था? क्या बाघों को बाघों से बचने के लिए क्या क्या कैसे क्या क्या करें? हाँ क्या क्या करें? पहले की लकड़ी लेनी है। हाँ उसके सीधे पीठ पे मारनी है। अच्छा तेज लड़ी है। तुमने मारी थी उसके पीठ पे? पीठ पे मारी थी तुमने उसके? हाँ। मारी थी बाघ के। और पत्थर उसके सिर पे मारने है, वो डर के भागेगा। हाँ। और पत्थर तो उसके पीठ पे लगने वाला ना है। हाँ ठीक। और वो भाग जाएगा खुद भी खुद। और कहीं उसने तुम्हारे चश्मे निकाल के फेंक दे, फिर मैं ढूंढूंगा खुद ही। चश्मे ढूंढेगा बाघ को? ढूंढेगा बाघ को ढूंढूंगा। दोस्तों अभी तक तो खैर बाघ के हमें दिखाई नहीं दिया, पर बाघ यहीं कहीं ना कहीं इसी में रहता है। और ये खतरनाक, वैसे तो यहाँ के लोगों के लिए तो नहीं है पर आम आदमी के लिए खतरनाक जगह है, क्योंकि वो उनके सामने तो ये रोज़ आता ही रहता है बाघ।
जैसे कि ये नीचे है, ये खाई होती है बहुत गहरी, हैं ये खाई होती है इधर इधर, और ये उत्तराखंड में गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, सूरज का नज़ारा भी। और कुछ कहना चाहेगा, लाइक सब्सक्राइब कुछ चाहिए तो उसको नहीं चाहिए? हाँ, सब्सक्राइब लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके सर।